नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं वार्ड 57 कालीबाड़ी फालतूनगंज लगता है ये। और आइए हम यहां का आपको दिखाते हैं विकास, कितना यहां पर विकास हुआ है इन 5 सालों में। जो यहां के सभासद रहे हैं, यहां के जो पार्षद है, उन्होंने क्या कार्य कराए हुए हैं। यानी में कालीबाड़ी तो सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि बरेली कॉलेज से जुड़ा हुआ है और अधिकतर लोग उसी रास्ते से निकल के आते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं बरेली स्मार्ट सिटी में जो हुए हैं विकास कार्य। कालीबाड़ी का विकास दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, यहाँ से गली देख ही सकते हैं आप लोग, जो पूरा देख सकते हैं यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर पानी देखिए, यहाँ पर गंदगी की बात करें, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। रोड की बात करें, रोड तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी कि यहाँ पर रोड है भी या नहीं है। और आगे लेकर चलते हैं आपको, पूरी गली दिखा दें। समझ ही नहीं लग रहा है कि गली शुरू कहाँ से करें दिखाना, क्योंकि पूरी ही गली में इसी तरीके से जो है आपको जो साफ सफाई देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, पूरी गली गंदगी से भरी हुई है। और यहाँ पर आमने सामने लोगों के घर बने हुए हैं, लोग यहाँ पर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे बीमार बहुत पड़ रहे हैं जी, बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, पूरी नालियों में गंदगी और मैला। नाली वाले आठ दिन बाद रोज आता है और कोई नगर निगम में भी 5-6। आप ये बताओ बच्चे कैसे ना बीमार पड़े जी, बड़े कैसे ना बीमार पड़े, जितनी पूरी नाली भरी पड़ी है। अब जरा जरा से घर है, एक वहाँ पे सीवर टूटा है, किधर टूटा है, नालियों में बह रहा है, अपने दरवाजे पे ही बैठ जाते जी, पूरी गर्मी में दरवाजे पे बैठ के बिताता है। अब जो बताओ इतनी गंदगी रहेगी तो बच्चे और बड़े कैसे ना बीमार पड़े। काफी मच्छर हो रहे होंगे, मच्छर बहुत है, अभी जाड़े पड़ रहे हैं तो मच्छर इतने जब पूरी गली को बनाना बात है, सोने नहीं देते मच्छर जब तक मोटी न लगा, ऑल आउट न लगा जब तक। शिकायत करिए कभी यहाँ को लेकर स्थिति। हाँ, जब बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ सीवर से भी परेशान है लोग और पानी से भी परेशान है। पानी बहुत गंदा आ रहा है पुरानी लाइन के अंदर जी, और जब पानी में भी दिक्कत है। कितने समय से, कितने साल हो गए यहाँ पर ये जी? समझ लो 4-5 साल हो गए, इस पे 4-5 बार एप्लीकेशन दे दोगे। हाँ, शंकर के पास जाते, शंकर तो शंकर सुनते नहीं, शंकर अच्छा वो भी नहीं सुनते, वो कहते हैं सब तरफ की गली बनवा दी। धन देवी, धन देवी उसका नाम है, शंकर की देख सकते हैं यहाँ पर। शंकर की पत्नी है जो जी, शंकर की पत्नी है जो सभासद है। अच्छा, वो भी सुनना ही नहीं है जी। और ये देखो गंदगी कितनी है जी, ये देखो कितना आ रहा है, बाली बच्चों को डेंगू, घर को लैट्रिन कहीं उल्टी आ रही। एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है, अंगूठे लगे सब देखा, आप कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे गली में। कई बार जा चुके हैं हम जी, लेकिन नहीं हुई, कई बार जा चुके हैं, कोई ऑफिस तलक भी जा चुके हैं, कोई कोई की सुनवाई नहीं होती हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नगर नहीं हुई। नाप के ले गए, नहीं ले दोबारा, अच्छा नपाई हो चुकी है कई बार, कई बार हो चुकी है नपाई। अरे 10 बार 20 बार समझ लो कितने बार जाए बताओ, बेगिनती से हम जा चुके हैं। आते हैं यहाँ पर जो पार्षद है वो सवा 2.5 महीने के लिए कह रहे हैं, टिकट के ले जाती है, पर 2.5 महीने से सुन लो, 1 साल हो गया। एक दिन 4 आदमी लगवा दिए, ये कह रहे थे कि इलेक्शन पर जाएंगे तो सुनवाई हो जाएगी, इलेक्शन पर उसके बाद में भी हम गए, इससे पहले भी इस तरह की हालत होती जब आप उनको वोट करा होगा, 3-4 साल से ज्यादा हो गए, तब से उन्होंने क्या कराया, कुछ कराया नहीं, करवाया झांकने तक नहीं आया, वो क्या वोट नहीं मिला इस गली से, वोट नहीं मिले, वोट नहीं मिला तो कानून करवाया, दूसरा वोट पूरा गली हम पकड़ पकड़ के लेके गए हैं, वोट दिए थे ना, सबने वोट दिया है, बच्चे बच्चे को वोट नहीं मिलेगा तो अगर सभासद तो वो नहीं काम नहीं करवाएगा, आगे के लिए उसके लिए काम नहीं लेंगे। आपने उन लोगों उनसे पूछा नहीं कि आप जीते कैसे अगर हमने वोट नहीं दिया है, ये तो यो जाने से भूल जाए और लुक जाते हैं, बुलाने नहीं आते हैं। शंकर को नहीं आने पाल को देखो वोट दिया था, शेखर पाल को दिया था, शेखर पाल ने काम कराया, शेखर ने सारे काम कराए, हमारे यहां कोई जाने नहीं आता है, बस उस टाइम पे आगे वोट लेना होगा तो राजा करेंगे, उसके बाद सब बोले कोई जनता है नहीं है यहाँ पे, गली में हाथ जोड़ने का कोई नहीं आया, वोट मांगने इस बार वोट देने का क्या इरादा है, क्या को नहीं लेना, जब कोई नहीं बनेगा गली नहीं बनेगी, सब मोहल्ले वाले 1,000 रुपए डाल के बन मारेंगे गली, किसी को नहीं देंगे, सभासद की जरूरत नहीं है, नहीं है सभासद देंगे वोट, मोदी को देंगे, हम किसी को नहीं देंगे,
मोहल्ले वाले को बनवा लेंगे 1000 रुपए डाल के और क्या, लेकिन वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे हम गली के, हम तो पूरा एका कर रखा है। आप गली की हालत देख सकते हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं लोगों का गुस्सा देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। इन लोगों का कहना है इस बार वोट किसी को भी नहीं देंगे, कई बार ऐसा हुआ है लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सारी गिर गिर के सारे समझ लो हाथ पैर टूट रहे हैं यहाँ पर। जब ज्यादा पानी भर जाता होगा तो बड़े बूढ़े निकलने का रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता नहीं रहता, पानी भर जाता है पूरी गली में। कल लड़की गिरी, लड़का गिरा, गली की हालत देख सकते हैं आप, नीचे कितना मतलब गंदगी पड़ी हुई है, घर आसपास बने हुए हैं, कीड़े हैं यहाँ पर और मच्छर भी यहाँ पर काफी हैं। यहाँ पर लोग साफ सफाई की बात करते हैं कि साफ सफाई रखी जाए, यहाँ पर आपको कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। पानी टंकी का चलता है, पानी टंकी का चलता है तो पूरी गली भर जाती है, पूरी गली भर जाती है यहाँ पर। अरे बताओ बड़ा बूढ़ा कैसे निकल के जाए, बीमार आदमी कैसे निकल के जाए, तबीयत खराब है, दवा लेने जाए जब भी कहाँ से जाएंगे, ऐसे से बूढ़ी बिचारी कैसे जाए, गोदी में ले लेके जाते हैं, गिर गिर जाती है यहाँ पे, बच्चे भोगी रहे हैं यहाँ पे जी, कहाँ जाए बताओ, इतना ऐसे बीमार आदमी पड़े हुए बेचारे गोदी में ले लेके जाते हैं, इस गली में खराब हो जाती है, मुश्किल मच्छर वो लग रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता है ये, अधिकतर यहीं से निकलते हैं, मेन गली यही है, यहाँ से निकलोगे बरेली गली पे है पूरा जी, पूरी गली की कार जी, नहीं देंगे वोट नहीं देंगे इस बार, बस हम तो गली का देंगे ही नहीं, पैसे लगते हैं सब बनवाओगे नहीं देंगे, बस आए मैं उनसे कह दूंगी, डर नहीं है उनका, आएंगे मैं कह दूंगी जी, तो सबसे क्रोध देख सकते हैं, सभी क्रोध में यहाँ पर, सभी का कहना है इस बार वोट नहीं दिया जाएगा, जो लोग आते हैं विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की गली पड़ी हुई है, एक बार नाली दिखाएंगे देना, हम तो ऊपर से देख सकते हैं आप कितना गंदा पड़ा है यहाँ पर, गली तो बहरा है, गली से भरी हुई है, गाली भी दी है उसने, गाली तक देते हैं बताओ आप लोगों को, और क्या, जब हम लोग जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है तो वो गाली भी देते हैं, जब वोट मांगने आए थे तो उनका क्या रिएक्शन था, हाथ जोड़ के घर में घुस के पहला में हाथ जोड़ रहे थे, इस गली से वोट नहीं पड़ा तो सब तरफ की गलियां सही हो गई है, तो कहते इस गली से उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है, बहुत बड़ी दुश्मनी है, कभी भी इस गली से वोट नहीं मिला तो हम इसे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, कभी आते भी नहीं है ना उनकी घरवाली ना वो, कोई नहीं आता, नहीं आता यहाँ पे, अब यही देख लो कैसे सब लोग बच्चे, हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को, नहीं देंगे ये यहाँ से निकलने का मुख्य एरिया यही रास्ता है, यही रास्ता बाड़ी पर निकलते, कल भी समझ लो कितने सालों से ये इस तरह से पड़ी हुई है, अरे 5 साल तो अब हो गए, उससे पहले 10 साल समझ लो, उससे पहले के जो रहे थे उन्होंने भी नहीं कराया था, उन्होंने काम करवाया, करवाया था काम, केवल उन्होंने शेखर पाल ने कराया, 5 साल तो झांकने भी कराया, अच्छा इस बार झांकने भी नहीं आए, कोई देखने नहीं, नगर निगम में लगातार शिकायत की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं होती है, सीवर देखो कितने बेकार हो रहे हैं, बाकी जो लोगों से हमने बात की है यहाँ के लोग तो काफी गुस्से में हैं, इन लोगों को कहना यही है कि भाई इस बार वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ की इस गली की हालत देख सकते हैं किस तरह से पड़ी हुई है, बिल्कुल पतली ही गली है ये, घर आसपास है, अगर यहाँ पर ज्यादा पानी हो जाता है तो लोगों के घर तक चला जाता है पानी, ये बरसातों में पानी भर जाता है, गली की हालत देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है बरेली की गलियाँ जो कि स्मार्ट सिटी लोग कहते हैं, बरेली पूरा स्मार्ट हो गया, लेकिन अभी अंदर जाकर अगर आप देखेंगे गलियाँ कुछ इस तरह से पड़ी हुई है, वहाँ पर लोग काफी परेशान है, गंदगी देख सकते हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर नहीं आता है, ये देखिए पानी यहाँ पे जो हमारे आखिरी मकान है यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो सकता है, 57 की स्थिति तो आप देख चुके हैं, यहाँ पर ये मेन रास्ता है यहाँ से निकलने का जो कि अंदर जाते हैं, यहाँ पर कई गलियाँ हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर, और ये है मेन जो यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, उठाने भी नहीं आते हैं नगर निगम से कोई भी, यहाँ पर कर्मचारी हैं बहुत कम आते हैं और देखकर चले जाते हैं, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ये लोग नहीं हो रही है, नाली की सफाइयाँ भी नहीं हो रही हैं, इन लोगों की काफी शिकायतें हैं यहाँ पर, कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, यहाँ के लोग काफी परेशान है।